इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे इंटरनेट की दुनिया का, आज हम बात करेंगे इंटरनेट की कितनी दुनिया है, आज हम बात करेंगे कुछ खौफनाक दुनिया का भी जो इंटरनेट के अंदर मौजूद हैं, जो मौजूद हैं और आम नज़रों को नहीं दिखती हैं, यानी कि आम लोग उसको नहीं देख सकते। आज हम बात करेंगे सरफेस वेब की, आज हम बात करेंगे डीप वेब की और आज हम बात करेंगे डार्क वेब की। जब हमने इस पर रिसर्च की, जब हमने इसको समझा तो ये समझ में तो बेहद आसानी से आ गया, लेकिन आपको एक आम जुबान में समझाने के लिए एक तरीका हमने इसको ढूंढा। हम उस तरीके से आपको बताएंगे जिस तरीके से आप इसको आसानी से समझ सकेंगे, इन तीनों ही वेब को आप समझ पाएंगे। दुनिया में तीन किस्म के लोग होते हैं, तीन तरह के ग्रुप्स होते हैं, जिसमें आम लोग होते हैं, उन लोगों के बारे में हम बात करेंगे। आम लोग यानी कि जिनका इस दुनिया को चलाने में कोई अमल दखल नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जो अरबों में मौजूद हैं, जो इंटरनेट का बहुत छोटा सा हिस्सा यूज़ करते हैं, वो हिस्सा सरफेस वेब कहलाता है। जी हाँ, वो हिस्सा सरफेस वेब कहलाता है। सिर्फ 4% ही हिस्सा ये लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट का, सिर्फ 4%। मैं आपको आगे बताऊंगा तो 90% और उस जो 6% बाकी का हिस्सा है वो कौन लोग यूज़ करते हैं या वो किस तरीके से यूज़ होता है। तो इस 4% में लोग जो हैं नेट बैंकिंग भी करते हैं, याहू पे भी सर्फिंग करते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, ट्विटर भी चलाते हैं और शॉपिंग भी करते हैं ऑनलाइन। तो ये सब चीज़ें जो हैं सरफेस वेब में आती हैं, या एक मोटी मोटी भाषा में इनको समझ लें, जो चीज़ें हम देख सकते हैं या जो चीज़ें हम जिन पे जा सकते हैं, यानी कि जो गूगल हमें सर्च करा के दे सकता है या गूगल पे हम जिनको ढूंढ सकते हैं, जो आम नज़रों में चीज़ें आती हैं, जो आम नज़रों में वेबसाइट्स आती हैं, जो काम होते हैं वो सरफेस वेब के ज़रिए होते हैं। अब दूसरे हिस्से की मैं बात कर लूँ जो कि डीप वेब कहलाता है। डीप वेब वो हिस्सा कहलाता है या वो दुनिया कहलाती है। ये एक खुद सिस्टम है, जो पहले हमने बात की वो लोग हैं वो उसको चलाते हैं, आम जनता जिसे चलाती है, आम यूज़र जिसको चलाता है। लेकिन जो डीप वेब है, डीप वेब में ये खुद एक सिस्टम है। एक मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि पासवर्ड्स होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जानकारियाँ होती हैं जो हमारे पास या एक गूगल सर्च इंजन पर मौजूद नहीं होती, लेकिन वो डेटा सिस्टम के पास होता है। जैसे कि व्हाट्सएप एक सिस्टम है, वो डेटा स्टोर कर लेता है, फेसबुक सिस्टम है या गूगल है, इनके पास रहता है। इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, इसमें जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो आते हैं, और इसमें पॉलिसी मेकर्स इसको यूज़ करते हैं, यानी कि जो कानून बनाते हैं वही यूज़ करते हैं, या इंटेलिजेंस के ज़रिए या खुफिया मेल एक दूसरे को भेजे जाते हैं, या कंट्रीज़ में कुछ जानकारियाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जाती हैं, तो वो डीप वेब यूज़ करते हैं। और आपको मैं बता दूँ कि डीप वेब 90% यूज़ होता है। आप ये सोच के हैरान होंगे कि जब करोड़ों अरबों लोग सिर्फ 4% इंटरनेट का हिस्सा यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भी आते हैं, आप भी आते हैं, और 90% लोग वो लोग हैं जो डीप वेब यूज़ करते हैं, इंटरनेट का दूसरा हिस्सा। तो ये हिस्सा इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये सिस्टम मजबूत हैं, इन सिस्टम्स में बहुत डेटा होता है, इस सिस्टम पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, तो इसलिए ये डीप वेब जो सर्व होता है वो 90% सर्व करते हैं ये पॉलिसी मेकर्स या सिस्टम जो अपने आप में होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने चाह रहा था, आज की वीडियो में सरफेस वेब और डीप वेब के बारे में इतना ख़ास जानकारी मैं आपको नहीं देना चाह रहा था। आज जो मैं बात करना चाह रहा था वो एक डार्क वेब के बारे में बात करना चाह रहा था, क्योंकि ये अलग बात है, एक अलग दुनिया है डार्क वेब की। इसको आसान भाषा में समझने के लिए हम अंडर वर्ल्ड की अगर बात करें, जैसे पहले ज़माने में क्रिमिनल्स होते थे, पायरेट्स होते थे, समुद्री लुटेरे होते थे और खूनी होते थे, या जो भी एक कह लो ख़राब लोग होते थे, उन लोगों का एक ग्रुप होता था। अब इंटरनेट की ज़रूरत तो लोगों की पड़ेगी, अंडरवर्ल्ड को भी डील करना होगा, जो और जो बुरे किस्म के लोग होते हैं, खबीस किस्म के लोग होते हैं, इंटरनेट की ज़रूरत तो उनको भी पड़ेगी। अब ये आम तरह का नेट यानी सरफेस वेब यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये सरफेस वेब यूज़ करेंगे तो ये पकड़े जाएंगे, और डीप वेब में ये घुस नहीं सकते क्योंकि सिस्टम बहुत मजबूत है और इसमें भी इनके पकड़े जाने का डर है। तो डार्क वेब से हम समझ लें कि ये एक अलग दुनिया है, ये इनकी अपनी आप की बनाई हुई दुनिया है, जो दुनिया इन्होंने खुद बनाई है।
जो दुनिया मुख्तलिफ है, आज हम उस दुनिया पे बात करेंगे और उस दुनिया के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया कैसी है, मैं इस बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि ये दुनिया बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। काफ़ी वीडियोस और लिटरेचर रिसर्च करने के बाद जितना मैंने इसको समझा, मैं इसको और भी समझ सकता था, लेकिन अब ये समझने के बीच में मुझे अपनी रिसर्च बंद करना पड़ी है। बीच में जो मैं काम कर रहा था इसके बारे में और डीपली नॉलेज जानने की कोशिश कर रहा था, उसको जो है वो मैंने बीच में रोक दिया, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी तकलीफ़ देने वाले हैं, क्योंकि हम आम इंसान हैं, हम इस तरह की चीज़ों के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। वो सब चीज़ें जो हैं वो डार्क वेब पर चलती हैं। ये खुफिया दुनिया है, खुफिया दुनिया है। यहाँ जो काम होते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से होते हैं। यहाँ अपनी वेबसाइट होती हैं, यहाँ करोड़ों अपनी वेबसाइट्स हैं जो आम इंसान की पहुँच से बाहर हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन वेबसाइट पे क्या क्या काम होता है। ये वेबसाइट असल में जुर्म के काम आती हैं, यानी कि जो भी गलत काम होते हैं, लीगल बिजनेस होते हैं, धंधे होते हैं, उस तरह का काम जो है ये डार्क वेब पे होता है। और इसके लिए डार्क वेबर्स जो यूज़ करते हैं, आसान बात उनके लिए ये है कि इसमें पकड़े जाने का कोई डर नहीं होता। जितनी भी एजेंसी जब तक इनको पकड़ेंगी, तो ये एक खासियत इन लोगों के अंदर होती है, ये डील करके बहुत जल्दी निकल जाते हैं, वेबसाइट्स ब्लॉक कर देते हैं, तो शायद इसलिए अभी तक ये लोग पकड़े नहीं गए हैं। सबसे पहले इसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि जो चोरी के सामान की डील होती है, ये चोरी का सामान जो करोड़ों अरबों खरबों की डील होती है, हीरे जवाहरात जो भी चीज़ें होती हैं वो डार्क वेब पे होती हैं। डार्क वेब पे इन चीज़ों का काम किए जाते हैं। आपने अरब की रेस के बारे में सुना होगा, बचपन में हमें भी बताया जाता है कि अरब में एक इस तरह की रेस होती है जहां बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऊँट पे बिठा दिया जाता है और उसके बाद रेस शुरू होती है। ऊँट की एक खासियत ये होती है कि जितना बच्चा रोता है या शोर मचता है वो और तेज़ भागता है, तो बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं, उतना ही उनका ऊँट तेज़ भागता है और जिसका ऊँट सबसे आगे निकल गया वो जीत गया। अरब में इस रेस को ह्यूमन राइट्स ने भी इसको जो है बैन कर दिया था, लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि ये रेस अभी भी चल रही है। पहले लोग फिज़िकली जाते थे, फिज़िकली जाके दाम लगाते थे, रेट्स लगाते थे, बैट लगाते थे, जुआ लगाते थे कि ये ऊँट मेरा, कि ये जो जानवर भाग रहा है ये मेरा है, लेकिन अब ये सब रेसेस होती हैं, इसकी वीडियोग्राफी होती है और डार्क वेब पर बाकायदा लाइव ये चलाई जाती हैं। इस पर लोग घर बैठ के अपने दाव लगाते हैं और जो उनका ऊँट जीतता है उसके बाद ये पैसे कमाते हैं। ये चीज़ अभी भी हो रही है। इलीगल रेसलिंग की मैं यहाँ बात कर लूँ, इलीगल रेसलिंग बंद थी, वो कुछ थी जिसमें लोग एक दूसरे को जब तक लड़ते हैं जब तक के अपोजिट पार्टी या अपोजिट जो ओपोनेंट है आपका वो मर ना जाए, जब तक फाइट होती है। ये फाइट बैन है, लेकिन ये फाइट डार्क वेब पर दिखा जाती है, यानी कि लाइव ये चलती है। किसी भी जगह जहां भी ये फाइट होती है वहां से लाइव ट्रांसमिशन होता है और डार्क वेब पर बैठे हुए लोग इस पर पैसा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं। अगर हम बात कर लें ख़रीद फरोख्त की है, हम बात कर लें तो डार्क वेब पे आपको एक खंजर से लेकर मिसाइल तक, AK-47 तक भी मिल सकती है, ये लोग वो भी आपको उपलब्ध कराते हैं। अब मैं डार्क वेब के 70-80% उस हिस्से की बात कर लूँ जो वाकई ही दर्दनाक हिस्सा है, जिसको देखकर मुझे भी काफ़ी तकलीफ़ हुई थी और शायद मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी बेहद तकलीफ़ होगी जानकर कि क्या ऐसा भी इस दुनिया में होता है, क्या ऐसे भी ये लोग हैं। 70-80% जो वेब डार्क वेब पे काम होते हैं उसमें औरतों और बच्चों का बड़ा रोल रहता है। अब आप सोच के हैरान हो रहे होंगे कि अभी तक तो ये रेस की बात हो रही थी, ख़रीद फरोख्त की बात हो रही थी, तो अब ये औरतें बच्चों का जिक्र कहाँ से आ गया। इस दुनिया में कुछ ऐसे जानवर लोग भी हैं, कुछ ऐसे खबीस लोग भी हैं जो मेंटली इल लोग हैं, जो कि डार्क वेब के ज़रिए बच्चों और औरतों को जितना टॉर्चर किया जाता है उनकी वीडियोस देखते हैं। ये डिमांड करते हैं कि हमें इस तरह की वीडियो चाहिए और ये लाइव डिमांड भी करते हैं और पैसा ये खर्च करते हैं कि हमें ये बच्चा है या ये औरत है इसको इस तरह का टॉर्चर दिया जाए या इस तरह का इसको दर्द दिया जाए, तो इन लोगों को मज़ा आता है।
और ये ऑनलाइन वीडियो में भी ये डिमांड करते हैं कि अब इस तरह की इसको तकलीफ दी जाए। तो कुछ इस तरह के लोग भी मौजूद हैं पागल, जो इस डार्क वेब का यूज़ करते हैं एक रेड रूम में। वो लोग इनकी डिमांड्स पर उस तरह का तशद्दुद टॉर्चर बच्चों पर, औरतों पर करते हैं, साथ साथ जानवरों पर भी टॉर्चर्स की लाइव वीडियोस यहाँ पर चलती हैं, जो कि डार्क वेब पर चलती हैं। और डार्क वेब का ये बेहद ही बुरा और ख़राब हिस्सा है। इंसान का गोश और खून इस पर ख़रीदो फरोख्त होता है। इंसान की खून और जी हाँ बॉडी के पार्ट्स भी इस पर ख़रीद फरोख्त होते हैं। जो लोग, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग पागल किस्म के, सनकी किस्म के लोग हैं, वो इस पर इन चीज़ों को ख़रीदते हैं। और ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि आज भी डार्क वेब के ज़रिए इंसान के बॉडी पार्ट्स की डील चल रही है। इंसान के बॉडी पार्ट्स क्या हैं, वो आँखें हों, क्या गुर्दे हों, क्या जो भी चीज़ हो, वो ख़रीद फरोख्त होता है। इसके साथ साथ ये लोग जो हैं ऐसी चीज़ों में मुब्तला होते हैं कि जो चीज़ इस दुनिया से हटकर भी है, यानी कि एक अलग दुनिया, वो दुनिया जो जादू की दुनिया है। सेशंस चलते हैं इस पे जिसमें आपको जादू सिखाया जाता है। जादू क्या मतलब कि आपको अमल सिखाया जाता है, आपको मुर्दों से बातें करना सिखाई जाती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं या प्री मेच्योर्स बेबी होते हैं, एबॉर्शंस के बाद जो मर जाते हैं, उनके ज़रिए मुर्दों से बात करने की एजुकेशन इसमें दी जाती है, सिखाई जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस डार्क वेब की हैं, जिसके बारे में हमने जाना। मैं जान और भी सकता था, और भी जितना आप इसमें डीप जाएंगे आप इसमें फंसते चले जाएंगे, आप इसमें ढंसते चले जाएंगे, लेकिन आम इंसान के हिसाब से जो जानकारियाँ डीप डार्क वेब के बारे में होना चाहिए वो जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं। तो ये तीन किस्म की मैंने आपको आज वेब्स के बारे में बताया। हमारी रिसर्च, हमारा काम, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ कहना हो, बताना हो या शिकायत हो तो हमारे ईमेल आईडी पर भी आप मेल कर सकते हैं, indian.informative1234@gmail.com। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। जय हिंद।